आबकारी अमले ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। अमले ने ग्राम पिपरी में तालाब किनारे चल रही अवैध शराब भट्टी पर दबिश देकर करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की। आबकारी अधिकारी सचिन भास्कर ने बताया कि पिपरी में तालाब किनारे गड्ढों में शराब बनाई जा रही थी। यहां से 3000 किलो महुआ लहान और 120 लीटर हाथभट्टी शराब जब्त की गई है। मामले में 5 प्रकरण बनाए गए, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 फरार है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक को सुबह आबकारी दल द्वारा खरगोन गांव में ग्राम पिपरी में तालाब के किनारे अवैध बजरा के ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें तालाब के किनारे गड्ढों में जो खोदकर गड़ी हुई जो शराब थी और लहान था वो बरामद किया गया, जिसमें लगभग 3000 किलोग्राम लहान एवं 120 लीटर हाथभट्टी बजरा बरामद की गई है। क्या कीमत होगी सर? इसकी कुल कीमत लगभग 1,70,000 रुपये है और इसमें कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।